आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के लागू होने से दमोह शहर अनुभाग स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पथरिया रघु केसरी के नेतृत्व में ग्राम गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम आबूखेड़ी का राजकुमार लोधी अपने घर के पास बनी टपरिया में अवैध शराब बेच रहा है, जो मुखबिर की सूचना की तस्दीक की गई। जो राजकुमार लोधी के घर के पास पहुंचे तो टपरिया में बैठा हुआ युवक पुलिस को देखकर भागा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और नाम पता पूछा, जिसने अपना नाम राजकुमार लोधी निवासी आबूखेड़ी बताया। जो टपरिया को चेक किया गया तो टपरिया के अंदर दो प्लास्टिक की बोरी में अवैध शराब भरी पाई गई। एक बोरी में लाल देशी मसाला के 200 पाव एवं एक बोरी में सफेद देशी शराब के 117 पाव के दोनों बोरियों में कुल 317 पाव दोनों बोरियों में कुल 57 लीटर शराब पाई गई। जो आरोपियों से उक्त शराब रखने के कागजात पूछे गए, जो कोई कागज नहीं होना बताया, तो आरोपी राजकुमार लोधी के विरुद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी, अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक महोदय संदीप मिश्रा जी और SDOP महोदय पथरिया श्री रघु केसरी के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जो दिनांक 28/3/2024 को दौरान देहात भ्रमण जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम आबूखेड़ी में राजकुमार लोधी अपने घर के बाहर अवैध रूप से शराब बेच रहा है। जो सूचना की तस्दीक की गई थी, जो आरोपी राजकुमार लोधी के कब्जे से करीब 57 लीटर शराब जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किए कर गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। Subscribe now to most exciting channel ever.